Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your Oxford Grammar Book, Chapter 2, Tense. So, now start. What about tense? So, simple present tense. Tense yani kal. सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सादा वर्तमान काल. आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे. देखो ऊपर एक पिक्चर दिया गया है. जीटी गोज फिशिंग एवरी फ्राइडे. जीटी जो है वो रोज फिशिंग करने, दर रोज जो है फ्राइडे को, वो शुक्रवार को फिशिंग करने जाता है. गोज ईएस का इस्तेमाल किया है. जीटी खुद पर्सन है इसीलिए. जीटी इज फिशिंग एट द लेक. जीटी कहाँ जाते हैं? वो लेक में फिशिंग करने जाते हैं. जीटी हैज़ कॉट अ फिश. जीटी जो है वो फिश पकड़ के लाते हैं. तो विच ऑफ दिस सेंटेंस इज अबाउट एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ. इसमें कौन सा वाक्य है जो अभी के अभी बता जा रहा है? ठीक है. विच ऑफ दिस सेंटेंस टेक्स अबाउट समथिंग जीटी हैबिचुअलिटी डज. Which of this sentence is about the action that has been completed? So first, we'll see this chapter. First, pictures also explain GT habitually does. मतलब GT जो है, first picture में हम लोग देख रहे हैं कि GT जो है वो उसका वो habitually है कि वो करता ही है. मतलब वो दर शुक्रवार को वो फिशिंग करने जाते हैं, तो इसका हैबिचुअली डज हुआ. सेकंड पिक्चर में हम देखेंगे कि एक्शन हैपनिंग नाउ, क्योंकि वो अभी लेक में है. जीटी इज कौन सा ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है? इज यानी प्रेजेंट में. फिशिंग एट द लेक कंटिन्यूअस टेंस, वो अभी भी फिशिंग कर रहे हैं, समझे. और कौन सा थर्ड जो पिक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे वो कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे कॉट आया है. क्या है? कॉट, कैच नहीं आया है. मतलब पास्ट टेंस में उसने जो है फिश पकड़ लिया है. सो दिस सेंटेंस इज अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड. सो थर्ड पिक्चर इज जीटी हैज़ कॉट अ फिश. इट इज अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ बीन ही इज कंप्लीटेड. ओके, सो नाउ वी विल सी सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज हम लोग जो हैं सादा वर्तमान काल जानेंगे. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी आई. बी वर्ब्स एम, आई एम नॉट. अदर वर्ब्स प्ले, मेक, गो, क्राई. डू प्लस नॉट, नॉट प्लस प्ले. यू आर, aren't, डोंट मेक. वी, दे, ही, सी, इट. aren't, were, नॉट, इज, इज नॉट, हैज नॉट. Plays, make, goes, carries, does not go, does not cry. Ready? So, ये जो chapter है इसमें हम लोगों ने ऊपर जो table है उसमें हमको पता चला I am subject यानी खुद owner. तो यहाँ पे देखो examples. I am students, मैं एक छात्रा हूँ. We go to school every day. We go to every, हम सब school जाते हैं रोज. Post does not cry. जो पोस्ट है वो कभी रोते नहीं है. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने इसके एग्जांपल देखे. लुक एट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव यानी हकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य. सो फर्स्ट एग्जांपल, आई मेक केक्स फॉर ए लिविंग. मैं जो केक बनाती हूँ मेरे जीने के लिए. आई डोंट मेक केक्स फॉर ए लिविंग, मैं केक नहीं बनाता. डू नॉट या डोंट, Do not की जगह हम लोग शॉर्ट फॉर्म में D-O-N-T, don't का इस्तेमाल कर सकते हैं. हकार वाक्य में I make cakes for a living. नाकार वाक्य में ले नेगेटिव में I do not make cakes for a living. So second, she writes stories for children. वो जो है स्टोरी लिखते हैं बच्चों के लिए. So यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव यानी नाकार में. She does not write stories for children. वो बच्चों के लिए जो है कोई स्टोरी नहीं लिखते. थर्ड में, हाय आई एम जीटी, आई एम नॉट जीटी, सी इज जीटी.
हाय आई एम जी टी, मैं जी टी हूँ। यहाँ पे नकार वाक्य में ऑनर खुद है, आई एम के जगह आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ जी टी, सी इज जी टी, वो जी टी है। रेडी, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस इट, आइस जो है वो एक वस्तु है, थिंग्स है, इसलिए हम लोग इट का इस्तेमाल करें। आइस डज नॉट मेल्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस में जो है नहीं मेल्ट होते हैं। रेडी, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू मेक केक्स, डू यू नॉट मेक केक्स, डोंट यू मेक केक्स, 3 फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य में पॉजिटिव वे हैं, 2 जो है वो नेगेटिव वे हैं। रेडी, डज नॉट राइट स्टोरीज चिल्ड्रन, डज सी राइट स्टोरी चिल्ड्रन, वो पूछ रहे क्या वो बच्चों के लिए स्टोरी लिखते हैं। डज सी नॉट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, डज सी नॉट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, डज नॉट सी राइट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, 2 मैं समझा। आर यू जी टी, क्या तुम जी टी हो, आर यू नॉट जी टी, क्या तुम जी टी नहीं हो, aren't you जी टी, क्या तुम जी टी नहीं हो। इज क्वेश्चंस बी वर्ब और डू डज अलोंग विद अ कंस्ट्रक्शंस इट यूज्ड इफ व्हाट्स बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, बी वर्ब के साथ डू ने डज अलोंग उसके साथ जो है कंस्ट्रक्शन बना के यूज किया गया है, ताकि सब्जेक्ट के बाद जो है पहले उसको रखा जाए क्वेश्चन के लिए। फंक्शन, वी यूज सिंपल प्रेजेंट, वी विल सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन एंड दैट टेक प्लेस हैबिचुअली एग्जाम्पल्स, ताकि हम लोग वो एग्जाम्पल के लिए हैबिचुअली जो रोज करते हैं वो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। डी टी चार्जेस अर बैटरी वंस अ वीक, जी टी जो है उसके बैटरी जो है वो चार्जर यूज एक हफ्ते में वो चार्ज करते हैं। सो दिट्स इज अ हैबिचुअल एग्जाम्पल्स एंड द एक्शन अबाउट अ हैबिचुअल, बिकॉज ही चार्ज हर बैटरी वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार वो अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। सो इट इज़ हैबिचुअली एग्जाम्पल्स। ओके, सी डज नॉट चार्ज इट बैटरी एवरी नाइट, इट एवरी नाइट, वो अपने बैटरी जो है चार्ज रोज रात को नहीं करती है, नकारात्मक में। रेडी, टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंस फैक्ट्स दैट ऑलवेज ट्रू, एग्जाम्पल्स वाटर फ्रीजर्स फ्रॉम आइस, द अर्थ रिसॉल्व्स अराउंड द सन, टू स्नो स्टेट एग्जाम्पल्स। नो, यूनिवर्सल ट्रूथ इज साइंटिफिक फैक्ट्स एंड ऑलवेज ट्रू, एग्जाम्पल वाटर फ्रीजर्स टू फ्रॉम आइस, वाटर फ्रीजर कर तो आइस बन जाते, बर्फ बन जाते, और जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते हैं। टू सो अ स्टेट एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, उसकी परिस्थिति क्या है, सी डज नॉट लव हिम, वो उसे प्यार नहीं करते। टू रेफर टू शेड्यूल्ड इवेंट्स और प्लान्ड एक्शन इन द नियर फ्यूचर, वो जो उसके शेड्यूल्ड है, उसके जो घटना है वो प्लान करके उसके जो एक्शंस हैं वो जो है भविष्य में आने जाते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो आवर बस लीव एट 7 PM, हमारे जो बस है वो 7 बजे छूटेंगे, आवर एग्जाम्स बींग ऑन 21 मार्च, सो दिट एज अ फ्यूचर, अभी वो हुआ नहीं है, होने वाला है, तो इसका जो एक्शन है वो फ्यूचर एक्शन है। रेडी, वाइल रिकॉर्ड रिकाउंटिंग इवेंट्स ऑफ अ स्टोरी इन द प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल, हम लोग जो है रिकाउंटिंग करते हैं कोई भी घटना होता है, स्टोरी होता है प्रेजेंट टेंस में, एग्जाम्पल जो है स्लीपिंग ब्यूटी प्रिक्स हर फिंगर ऑन ए नीडल एंड फॉल्स एस्लीप, सोई हुई लड़की अपने उंगली में जो है नीडल सुटा और फिर से सो गई, द होल किंगडम फॉल्स एस्लीप टू, पूरा राज्य जो है नींद में सो चुका है। तो ये जो एक स्टोरी हम जो समझाते एग्जाम्पल की तरफ, आफ्टर वेन अंटिल एज सुन एज बिफोर आफ्टर एटसेट्रा एग्जाम्पल, एज सुन एज आई फिनिश दिस बुक, जल्द से जल्द मैं बुक्स खत्म करना चाहता, आई विल बोरो अनदर, और उसके बाद मैं दूसरा लाऊंगा, आई विल यूज दिस बैग अंटिल मदर बाइज मी ए न्यू वन,
मैं ये बैग तब तक यूज़ करूँगा जब तक मेरी मम्मी मेरे लिए दूसरा बैग नहीं लाते। रेडी? तो रीड द शॉर्ट पैराग्राफ एंड राइट करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। द फर्स्ट ऑफ हैज बीन डन फॉर यू। वाई आर सम ऑफ अ स्केयर्ड क्रिएचर्स लाइक लिजर्ड्स स्पीडर। Why are some of us frightened when creatures? Our feelings do not always make a sense. Our feelings do not always are made a sense. Do they? It was strength death. So यहाँ पे पहले में आर है, दूसरे में भी आर आएगा, तीसरे में our feelings do not always. Our feeling well, not always where. Our है इसलिए क्या आएगा where make की जगह made sense. Do they it was strange that. Ready? ये आपको करके मुझे बताना है. Sometimes we are felt scared of things that was not really dangerous. A small creature such as mouse could not hurt a person. Man is too big for a mouse to harm. Yet many people were screamed in fight when they saw a tiny little mouse. Ready? We are felt things that was not really dangerous. A small creature's mouse and man is too big mouse harm. Yet many people were screamed frightened when they were saw a teeny little mouse. Ready? A जो मैंने example आप लोगों को बताया, जो का fill in the blanks में answer बताया, मुझे लिख के आपको बताना. अब देखो, मैच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द सेकंड अंडरलाइन वर्ब्स. वेयर देयर इज अ इल, वेयर देयर इज अ विल, वो सब अभी कहां पे है. फ्लॉक टुगेदर. वेयर देयर इज अ इल फ्लॉक टुगेदर. ट्रूथ इज a large area of land covered with trees. It's called a forest. Truth is the bolt. There are about 515 wildlife sanctuaries in India. A rolling stone, a loading stone, but prepare the roast. Earth is the third planet from the sun. Fortune favors their fortune favors stranger than faction. For every action there is an equal and opposite reaction. Hope for the best. There is a way. Birds of the same feather greater no most. So आज जो ये मैंने आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन किया है, उसके जो है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है टोटली. ये मैच आपको करना है और उसके साथ साथ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको होमवर्क में मुझे लिख के 2 टाइम्स बताना है. रेडी? तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे
ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे